योर चैनल अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेकंड वीडियो, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, और अगर ये चीजें, ये एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जा सकता। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है एग्रीमेंट। एक वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए। वैलिड एग्रीमेंट के लिए क्या चाहिए है? एक वैलिड ऑफर प्लस वैलिड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी 100% प्योर। इसीलिए बोलते हैं एन एग्रीमेंट मस्ट कंटेन अ वैलिड ऑफर एंड अ वैलिड एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगी वो दोनों पार्टीज पहले से ही ये इंटेंशनली सोचे होंगी कि अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट में डिफॉल्ट किया तो मैं इसके खिलाफ केस फाइल कर दूंगा, और अगर इसने डिफॉल्ट किया तो मैं इसके खिलाफ केस फाइल कर दूंगा। ये दोनों पार्टीज के बीच में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए। थर्ड इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को बोलते हैं समथिंग इन रिटर्न, और समथिंग इन रिटर्न को लैटिन लैंग्वेज में बोला जाता है क्विड प्रो कोहो। ओके, क्विड प्रो कोहो। क्विड की स्पेलिंग QUID PRO QUO। QUO को बोलते हैं कोहो। कंसिडरेशन दी जा सकती है किसी भी काम को करने के लिए और किसी भी काम को ना करने के लिए। किसी भी काम को करने के लिए तो वो माना जाता है एक्ट, टू डू समथिंग, और ये एक्ट होता है एक पॉजिटिव एक्ट, इसीलिए इसकी जो कंसिडरेशन आती है उसे बोलते हैं पॉजिटिव कंसिडरेशन। ऑन द अदर एंड कंसिडरेशन दी जा सकती है किसी भी काम को ना करने के लिए, एब्सटिनेंस के लिए। एब्सटिनेंस को बोलते हैं नेगेटिव एक्ट, और इसीलिए इसकी कंसिडरेशन भी बन जाती है नेगेटिव कंसिडरेशन। एब्सटिनेंस का मतलब होता है टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी भी काम को करने के लिए रोका जाना। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो पॉजिटिव कंसिडरेशन का एग्जांपल हो सकता है कि राम ने श्याम को ऑफर दिया है अपना घर खरीदने के लिए, तो यहाँ पर राम ने अपना घर बेचा और राम को क्या मिला? कैश। ऑन द अदर एंड श्याम ने कैश दिया तो श्याम को क्या मिला? राम का घर। तो यहाँ पर कंसिडरेशन थी हाउस को परचेज करने के लिए, टू डू ए नेट। और इसका सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा एब्सटेनेंस के लिए, नेगेटिव कंसिडरेशन के लिए। सपोज दो बंदे हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 1,00,000 रुपए का लोन ले रखा है, और अब मिस्टर बी लोन के रिपेमेंट के लिए बोलते हैं, और ए यहाँ पर पैसे देने से मना कर देता है। तो बी कहता है, मिस्टर ए अगर आप मेरा पैसा वापस नहीं करेंगे तो मैं आपके खिलाफ कल ही केस फाइल कर दूंगा। मिस्टर ए डर जाते हैं और मिस्टर ए बोलते हैं बी से कि आप प्लीज मेरे खिलाफ केस फाइल मत कीजिएगा नेक्स्ट 6 महीने के लिए, और मैं आपको 50,000 रुपीज एडिशनल पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पर मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन क्या हो जाएगी? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 50,000, और मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन क्या हो जाएगी? इस मंथ का रिलैक्सेशन पीरियड। ओके, कंसिडरेशन क्लियर हो गया थोड़ा बहुत। आगे कंसिडरेशन का पूरा चैप्टर भी है। ये जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इन्हें हम लोग एज अ इंडिविजुअल चैप्टर्स भी डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। फोर्थ पॉइंट इज फ्री कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति। अब जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है उन दोनों पार्टीज का जो कंसेंट है वो फ्री होना चाहिए। द कंसेंट विल बी वैलिड ओनली इफ द कंसेंट ऑफ द पार्टीज इज फ्री फ्रॉम द फॉलोइंग। इट मींस उसका कंसेंट कॉशन से इफेक्ट नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं होना चाहिए, फ्रॉड से नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन मिस्टेक से उसका जो कंसेंट है वो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। फर्स्ट वन इज कॉशन। कॉशन का मतलब होता है फिजिकल प्रेशर से। फिजिकल प्रेशर अप्लाई भी किया जा सकता है या अप्लाई करने की धमकी भी दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है मिस्टर एक्स और उसके पास बहुत सारी जमीन है, और सपोज यहाँ पर जेड जाता है और उसके सर पर बंदूक रख देता है, बोलता है जमीन के पेपर पर साइन कर नहीं तो अभी तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। तो भाई मिस्टर एक्स क्या करेगा? डर के मारे पेपर पर साइन करेगा। तो क्या यहाँ पर मिस्टर एक्स का कंसेंट फ्री था? मिस्टर एक्स की जो सहमति थी क्या वो फ्री थी? नहीं। और यहाँ पर कंसेंट फ्री क्यों नहीं था? क्योंकि उसके ऊपर फिजिकल प्रेशर अप्लाई किया जा रहा था, और इस फिजिकल प्रेशर को ही बोलते हैं कॉशन। नेक्स्ट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है एक मॉरल प्रेशर। फॉर एग्जांपल, एक गुरुजी थे महात्मा टाइप, और उनका एक डिसाइपल था, मतलब उनका एक भक्त था। तो स्पिरिचुअल गुरु और जो उनका डिसाइपल था, जो उनका चेला था, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप था। ये रिलेशनशिप कैसा था? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप को बोलते हैं द रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। गुरुजी ने बोला कि बेटा ये काम कर, और डिसाइपल ने किए तो उसका भला हुआ। एक दिन स्पिरिचुअल गुरु को पता चला कि उसके डिसाइपल के पास बहुत सारी जमीन है, तो गुरुजी ने क्या किया, अपने चेले को बुलाया और बोला कि ले बेटा ये मैजिकल कैश ले 10,00,000 रुपए, और अपनी सारी जमीन मेरे नाम कर दे।
डिसाइपल ने उस टाइम तो नहीं सोचा, क्योंकि डिसाइपल के गुरु ने उसके बहुत सारे काम कराए थे। उसने सोचा गुरुजी कह रहे होंगे तो सही कह रहे होंगे। उसने अपने सारे पेपर्स लिए, साइन करके गुरुजी को दे दिए और उनसे 10 लाख रुपए ले लिए। बाद में पता चला कि वो कैश मैजिकल वगैरह तो कुछ था नहीं, गुरुजी ने उसको चीट कर लिया। तो यहाँ पर जो डिसाइपल था उसका कंसेंट भी फ्री नहीं था, क्योंकि गुरुजी ने अपनी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन का अनड्यू एडवांटेज लिया था। उस डिसाइपल का जो कंसेंट था वो इफेक्ट हुआ था बाय द अनड्यू इन्फ्लुएंस। इन सबको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। नेक्स्ट इज फ्रॉड। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन को साथ में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल्समैन था जो वाटर गीजर बेचता था। वो सेल्समैन चलते चलते एक सोसाइटी में पहुंचा और सोसाइटी में मिलकर उसे हमारे शर्मा जी, शर्मा जी भाई अपने दिलदार आदमी थे। सेल्समैन ने वाटर गीजर के 10 फीचर्स बता दिए कि अगर आप ये खरीदेंगे तो इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना ढिकाना, उसने 10 फीचर्स बता दिए। बाद में प्रोडक्ट यूज करने के बाद शर्मा जी को पता चला कि इसमें 10 फीचर्स तो दूर की बात है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही फीचर है। तो यहाँ पर शर्मा जी ने सेल्समैन के खिलाफ केस फाइल कर दिया। अब यहाँ पर ये देखा जाएगा, क्या सेल्समैन को सच में पता था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही फीचर्स हैं, 10 फीचर्स नहीं है? अगर सेल्समैन को पता था और उसने जानबूझ के उसने इंटेंशनली इस वाटर गीजर को सेल किया, तो यहाँ पर माना जाएगा कि सेल्समैन ने फ्रॉड किया। लेकिन अगर सेल्समैन को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं थी, उसको पता ही नहीं था, सेल्समैन को इस तरीके से ट्रेन ही किया गया था, तो सेल्समैन की यहाँ पर कोई भी गलती नहीं थी। उस सेल्समैन ने इनोसेंटली शर्मा जी को 10 फीचर्स बता दिए क्योंकि उसे ट्रेनिंग ही ऐसी मिली थी। तो यहाँ पर माना जाएगा मिसरिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर आप फ्रॉड नहीं कह सकते। इसके बाद आती है मिस्टेक। मिस्टेक एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, इसे हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी का मतलब होता है कॉम्पिटेंसी से, किसके पास कॉम्पिटेंसी है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की और किसके पास कॉम्पिटेंसी नहीं है। तो अगर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाता है, और अगर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड नहीं बनता है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट किसके पास होती है? एक मेजर पर्सन के पास, एक साउंड माइंड पर्सन के साथ, और उस पर्सन के पास जो डिस्क्वालिफाइड बाई लॉ नहीं है। लेकिन कॉम्पिटेंसी किसके पास नहीं होती है? एक माइनर के पास, एक अनसाउंड माइंड के पास, और उस पर्सन के पास जो डिस्क्वालिफाइड बाई लॉ है। अब बात करें कि माइनर एक्चुअली में होता कौन है, तो इन जनरल वो पर्सन जिसकी एज 18 ईयर से कम होती है उसे हम लोग माइनर बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल केसेस भी होते हैं जहां पर उसकी एज 21 से कम होना उसे माइनर माना जाता है। ये स्पेशल केसेस होते हैं जब माइनर की प्रॉपर्टी अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड्स, कोर्ट ऑफ वार्ड्स का मतलब जो बच्चों का कोर्ट होता है, उस कोर्ट में इस माइनर की प्रॉपर्टी को सुपरवाइज किया जाता है, या फिर उस माइनर के लीगल गार्जियन अपॉइंट किए जाते हैं बाय द कोर्ट। इन दोनों केसेस में माना जाता है कि जब तक एक इंसान की एज 21 इयर्स नहीं हो जाती है तब तक वो इंसान माइनर ही बना रहता है। अब अगर बात करें अनसाउंड माइंड की, तो अनसाउंड माइंड दो तरीके के होते हैं, एक तो वो जो परमानेंटली अनसाउंड होते हैं और दूसरे वो जो टेम्परली अनसाउंड होते हैं। जो परमानेंटली अनसाउंड होते हैं उन्हें बोलते हैं इडियट्स, और अगर आप इडियट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो पूरी तरीके से वॉइड होते हैं। कुछ होते हैं टेम्परली साउंड। टेम्परली साउंड में दो कैटेगरीज हैं, एक लुनेटिक्स और दूसरे ड्रंकन पर्सन। ड्रंकन पर्सन वो होते हैं जो इंटॉक्सिकेट्स कंज्यूम करते हैं, लाइक वो अगर एल्कोहल और ड्रग्स कंज्यूम करते हैं तो उनको बोलते हैं ड्रंकन पर्सन, और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन भी उन्हें बोला जाता है। लेकिन लुनेटिक्स वो पर्सन होते हैं जो कभी कभार साउंड होते हैं और कभी कभार अनसाउंड होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिन्हें एपिलेप्टिक फिट्स पड़ते हैं। एपिलेप्टिक फिट्स मतलब मिर्गी के दौरे। तो जब उन्हें मिर्गी के दौरे आते हैं तो वो अनसाउंड हो जाते हैं, और जब उन्हें मिर्गी के दौरे नहीं आते हैं वो साउंड रहते हैं। तो अगर पर्सन साउंड है और तब आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, लेकिन अगर पर्सन अनसाउंड है और तब आप उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड माना जाता है। ओके? और जो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन होते हैं, जो ड्रंकन पर्सन होते हैं, जब तक कि उनका माइंड पूरे तरीके से रिलैक्स नहीं हो जाता तब तक आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और इंटॉक्सिकेट्स का असर खत्म होने के बाद आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे कुछ ऐसे पर्सन की जो डिस्क्वालिफाइड बाई लॉ होते हैं, लाइक एलियन एनिमी। एलियन एनिमी दूसरे कंट्री का वो सिटीजन होता है जब उस कंट्री के साथ हमारी वॉर चल रही होती है। नेक्स्ट, फॉरेन सोवनर्स एंड एम्बेसडर, कॉर्पोरेशन, इंसॉल्वेंट्स, कन्विक्ट एक्सेट्रा जितने भी होते हैं इनको माना जाता है डिस्क्वालिफाइड बाई लॉ। इन्हें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोज में, सिर्फ अभी आप इंट्रोडक्शन के लिए बस इसे समझ लीजिए।
सिक्स्थ पॉइंट इज कंसेंसस एट आइडम. कंसेंसस एट आइडम का मतलब होता है आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, मीटिंग ऑफ माइंड्स. इट मीन्स जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है उन दोनों के माइंड्स एक ही डायरेक्शन में वर्क करने चाहिए, वो दोनों एक चीज के बारे में ही सोचे. द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम मैनर एंड एट द सेम टाइम. जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट होंगे उन्हें एक ही चीज के बारे में सोचना है, एक ही मैनर में सोचना है और एक ही टाइम पर सोचना है. फॉर एग्जाम्पल, एक हॉर्स सेलर है जिसके पास दो घोड़े हैं, राजहंस और हंसराज. और एट द सेम टाइम हॉर्स सेलर के जो दो घोड़े थे राजहंस और हंसराज, वो दोनों साथ में ही घास खा रहे थे. और यहाँ पर मिस्टर ये हॉर्स सेलर से बोलता है कि आप मुझे वो वाला घोड़ा बेचोगे, लेकिन उसने उस घोड़े का नाम नहीं बताया. मिस्टर ए बात कर रहा था राजहंस के बारे में, लेकिन हॉर्स सेलर सोच रहा था हंसराज के बारे में. तो यहाँ पर दोनों लोगों का कंसेंसस एट आइडम, दैट इज मीटिंग ऑफ माइंड्स, मैच नहीं कर रहा था. नेक्स्ट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट्स एंड कंसिडरेशन. अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनाना है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसिडरेशन होगा, दोनों लॉफुल होने चाहिए. इट मस्ट नॉट बी इलीगल. टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लॉफुल. इन द फॉलोइंग केसेस एग्रीमेंट विल बी ट्रीटेड एज अनलॉफुल बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट इज इलीगल. अब कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स के बारे में बात करेंगे जिसके ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से इलीगल माने जाते हैं. जिसमें पहला पॉइंट है एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ. कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जो लॉ के द्वारा ही फॉरबिड किए जाते हैं, लाइक मर्डर और डिकॉटी. डिकॉटी का मतलब होता है डकैती से. नेक्स्ट इज एनी एक्ट इफ परमिटेड इट विल डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ, लाइक परचेज ऑफ मेडिसिन विदाउट बिल. लाइक अगर आप मेडिसिन विदाउट बिल खरीदने की परमिशन दे देंगे तो उससे क्या होगा, जो सेल ऑफ गुड्स का एक प्रोविजन है कि विदाउट बिल आप कोई भी सामान परचेज नहीं करेंगे, वो डिफीट हो जाएगा. ओके, एनी एक्ट इफ परमिटेड इट विल डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ. नेक्स्ट इज एनी एग्रीमेंट विच इम्प्लाइज इंजरी टू एनी पर्सन और इस प्रॉपर्टी. लाइक आपने किसी भाई के साथ, किसी गुंडे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सामने वाले पर्सन की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए, तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट एक इलीगल एग्रीमेंट माना जाएगा. नेक्स्ट इज एनी एग्रीमेंट विच इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी. लाइक अगर आप किसी को ब्रैवरी देते हो, किसी को रिश्वत देते हो कुछ काम कराने के लिए या फिर किसी पब्लिक ऑफिस की पोजीशन में जॉब पाने के लिए, तो ये ब्रैवरी देना अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी माना जाता है और जो एग्रीमेंट होगा वो हमारा बन जाएगा इलीगल एग्रीमेंट. नेक्स्ट एनी एग्रीमेंट विच इज इमोरल इन नेचर. और जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं जो इमोरल इन नेचर होते हैं उन्हें भी इलीगल एग्रीमेंट्स मानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट पर दे रखी है गैम्बलिंग करने के लिए, सट्टा लगवाने के लिए, तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट माना जाएगा इमोरल इन नेचर और ये एग्रीमेंट हमारा बन जाएगा एक इलीगल एग्रीमेंट. दीज ऑल आर नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट्स. और ये जो हम लोगों ने एग्रीमेंट्स पढ़े हैं ये सारे एग्रीमेंट्स हैं इलीगल एग्रीमेंट्स. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो पॉसिबल टू परफॉर्म ही ना हो. फॉर एग्जाम्पल, टू मेक अ डेड पर्सन अलाइव. किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करने का कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, दो बंदों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं कल चांद जमीन पर लेकर आऊंगा, तो ये क्या पॉसिबल टू परफॉर्म है? नो. ऐसे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होती है उनको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं माना जाता है. नेक्स्ट इज सर्टेनिटी. कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर चीजों का होना सर्टेन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ए और बी दोस्त थे. ए ने बोला कि भाई यार मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, तो बी ने बोला भाई कितने का बेचेगा? तो भाई ए ने जवाब दिया 50-60 लाख का बेच दूंगा. तो यहाँ पर जो अमाउंट था वो सर्टेन नहीं था. 50-60 कितना, 50 या 60 या दोनों के बीच में अमाउंट, तो यहाँ पर ये सर्टेनिटी होना जरूरी है. नेक्स्ट एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड. कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जिसे पहले ही वॉइड एक्सप्रेस कर दिया जाता है. तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट इन एग्रीमेंट्स के अंदर आता है उसको हम लोग मानेंगे एक वॉइड एग्रीमेंट. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो माइनर के साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड होते हैं. इसीलिए कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जिसे पहले से ही वॉइड मना दिया जाता है. अब जितने भी एग्रीमेंट्स है उसे हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज लीगल फॉर्मेलिटीज. कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पर लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना जरूरी होता है. लाइक वो राइटिंग में होना चाहिए, उस पर स्टैम्प्ड होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होना चाहिए और प्रॉपरली साइंड भी होना चाहिए. वेयर एवर लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड दीज मस्ट बी डन. जहां पर लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना जरूरी होता है वहां पर ये लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल भी किए जाने चाहिए.
इफ दीज आर नॉट फुलफिल्ड देन कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी ट्रीटेड एज वैलिड। अगर ये लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल नहीं होंगी, पूरी नहीं की जाएंगी, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।